गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट लेन 2019 के फाइनल बैटिंग ऑड्स के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, WWE का PPV फास्ट लेन इस सोमवार को होने जा रहा है, जहां कई बेहतरीन मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मैच जो कि इस PPV के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, वो होने जा रहा है दोस्तों रे मिस्टीरियो वर्सेस अंद्रादे सियान अलमास के बीच में। तो दोस्तों, ये मैच किक ऑफ के अंदर रखा गया है और बात की जाए इस मैच के विनर की, तो गाइस वो रहने वाले हैं अंद्रादे, क्योंकि वो कर रहे हैं -150 के साथ लीड। वहीं दूसरे नंबर पर दोस्तों चल रहे हैं आपके रे मिस्टीरियो, जो कि चल रहे हैं +110 के ऊपर, यानी कि इसके अंदर जो जीतेंगे वो है अंद्रादे। लेकिन अब हम चलते हैं अपने मेन कार्ड्स के ऊपर। तो गाइस, मेन कार्ड्स के अंदर जो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलने वाला है, वो होने जा रहा है दोस्तों साशा बैंक्स एंड बेली वर्सेस नाया जैक्स और टमीना के बीच में। दोस्तों बात की जाए इस मैच की, तो मैच काफी अच्छा है, लेकिन बात की जाए विनर की, तो गाइस यहां कोई भी टाइटल चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां जो टीम लीड कर रही है वो है आपकी साशा और बेली की, जो कि चल रही है दोस्तों -400 के ऊपर। वहीं बात की जाए टमीना और नाया की, तो वो दोनों चल रही है +250 के ऊपर, यानी कि यहां जो बेली और साशा बैंक्स है वो अपना टाइटल रिटेन कर जाएगी। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले मैच के ऊपर। तो गाइस, अगला मैच होने जा रहा है उसोज वर्सेस द मिज और शेन ओ मैक के बीच में। यहां दोस्तों स्मैकडाउन चैंपियनशिप दाव के ऊपर रहने वाली है, काफी बड़ा मैच है। लेकिन इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स की बात की जाए, तो जो टीम अभी लीड कर रही है वो है दोस्तों उसोज, जो कि चल रहे हैं आपके -900 के ऊपर। वहीं जो शेन ओ मैक और द मिज है वो चल रहे हैं +500 के ऊपर, यानी कि यहां भी कोई टाइटल चेंज नहीं होगा और उसोज आसानी से रिटेन कर जाएंगे। लेकिन चलते हैं अपने अगले मैच के ऊपर। तो गाइस, अगला मैच होने जा रहा है आस्का वर्सेस मैंडी रोज के बीच में। काफी बढ़िया मैच है और काफी ज्यादा उम्मीदें हैं मेरी मैंडी रोज के साथ, लेकिन शायद वो उम्मीदें सच ना हो, क्योंकि दोस्तों यहां आस्का लीड कर रही है। आस्का चल रही है आपके -800 के ऊपर, वही मैंडी रोज चल रही है दोस्तों 425 के ऊपर, +425 के ऊपर, यानी कि दोस्तों यहां जो जीतेगी वो है आस्का, और यहां भी दोस्तों कोई भी टाइटल चेंज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर, जो कि काफी धमाकेदार मैच होने वाला है, और ये होने जा रहा है एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, और यहां दोस्तों रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप दाव के ऊपर होगी। ये मैच होने वाला है द रिवाइवल वर्सेस रिकोशे एंड एलिस्टर ब्लैक वर्सेस चैड गेबल एंड बॉबी रूड, यानी कि तीन टीम्स के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच होना है। बात की जाए विनर की, तो गाइस यहां जो लीड कर रही है वो टीम है आपकी द रिवाइवल, जो कि चले हुए हैं दोस्तों -275 के ऊपर। वहीं दूसरे नंबर पर चल रही है दोस्तों अलस्टर ब्लैक और रिकोशी की टीम, और नंबर तीन पर चल रहे हैं दोस्तों चैड एंड रूड। तो कहा जाए दोस्तों कि यहां भी टाइटल चेंज नहीं होंगे तो सही होगा, तो दोस्तों यहां द रिवाइवल जीतने वाली है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले मैच के ऊपर। तो गाइस, अगला मैच भी काफी बड़ा होने जा रहा है, और ये होने जा रहा है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बैकी लिंच के बीच में। यहां दोस्तों बैकी लिंच अगर जीतती है तो उन्हें रेसलमेनिया के अंदर वो मैच मिल जाएगा जिसकी वो मांग कर रही है, यानी कि वहां रेसलमेनिया के अंदर मैच बन जाएगा ट्रिपल थ्रेट। तो काफी बड़ा मैच है, बैकी लिंच के पास काफी बड़ा मौका है। लेकिन बात की जाए ऑड्स की, तो ऑड्स भी दोस्तों बैकी लिंच के पक्ष में चले हुए हैं, और यहां दोस्तों बैकी लिंच लीड कर रही है -700 से। वहीं शार्लेट फ्लेयर चल रही है +400 के ऊपर, यानी कि दोस्तों इस सिंगल्स मैच के अंदर बैकी लिंच विजय रहने वाली है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले मैच के ऊपर। तो गाइस, अगला मैच होने जा रहा है WWE चैंपियनशिप के लिए, और ये होगा दोस्तों डेनियल ब्रायन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। बात की जाए ऑड्स की, तो गाइस यहां डेनियल ब्रायन लीड कर रहे हैं, जो कि चल रहे हैं -400 के ऊपर। वहीं केविन ओवेंस चल रहे हैं आपके +250 के ऊपर, यानी कि यहां भी कोई टाइटल चेंज नहीं होगा और डेनियल ब्रायन WWE चैंपियन बने रहेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अपने फाइनल मैच के ऊपर, जो कि होने जा रहा है द शील्ड का बैरन कॉर्बिन की टीम के खिलाफ। तो दोस्तों यहां काफी बड़ा मैच रखा गया है। बात की जाए ऑड्स की, तो गाइस यहां ऑड्स चल रहे हैं आपके द शील्ड के पक्ष में, जहां दोस्तों द शील्ड चली हुई है -300 के ऊपर। वहीं कॉर्बिन की टीम चल रही है दोस्तों +200 के ऊपर, यानी कि ऑड्स की माने तो यहां द शील्ड विजय रहने वाली है। तो दोस्तों द शील्ड की जीत पक्की है, लेकिन सवाल ये रहेगा कि आप किसे सपोर्ट करें इस पीपीवी के अंदर, आज के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूले। वेल दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।